के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर दिल्ली में बाढ़ के आपातकाल से जुड़ी हुई, जहां दिल्ली में आज भी भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में सभी स्कूल और कॉलेजेस रविवार तक के लिए बंद कर दिए गए। यमुना में उफान से दिल्ली के 6 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। दिल्ली के कई इलाकों में पीने के पानी का संकट है। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली की हैं। बड़ी बात यह है कि अगर आने वाले वक्त में यहाँ पर बारिश होती है तो मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि धीरे धीरे ये पानी जो है वो कम हो रहा है। लेकिन अगर बारिश होती है और खासतौर पर पहाड़ी राज्यों में बारिश होती है, उत्तराखंड या हिमाचल में बारिश होती है, तो फिर और ज्यादा दिक्कत बढ़ सकती है, क्योंकि हथिनी कुंड बैराज से पानी अभी और ज्यादा जो है दिल्ली की तरफ आएगा। हमारे साथ अभिषेक राज इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अभिषेक, आज दिल्ली के हालात क्या हो सकते हैं? अगर अभी आप वाटर लेवल को बताएं तो क्या ये कुछ कम हुआ है? और क्योंकि मौसम विभाग कह रहा है कि अभी भारी बारिश हो सकती है आज, तो उसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल दिल्ली की स्थिति जस की तस है। अभी पानी का लेवल तो यमुना में थोड़ा सा कम है, मयूर विहार का इलाका है, और जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये पूरी यमुना की जो जल है वो है। पुल के नीचे पूरे तरीके से यमुना का पानी लगा हुआ है। जल का स्तर तो थोड़ा कम हुआ है, यमुना का लेवल थोड़ा सा नीचे गया है, लेकिन जिस तरीके से शहरों के अंदर पानी घुस गया था, लोगों के घरों में पानी घुस गया था, वो आफत का कारण बना हुआ है। दूसरी बात यह है कि ऊपर बादल देखिए किस तरीके से आसमान में काले बादल मंडरा रहे हैं। येलो अलर्ट जारी किया गया है दिल्ली को लेकर पूरे एनसीआर में, और बारिश होने की आज जो है वो संभावना है। ऐसे में जब जोरदार बारिश होगी और पानी पहले से ही जमा है, वैसे में दिल्ली का हाल क्या होगा ये तो देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरीके से पहाड़ों में भी बारिश की आशंका है और बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं, उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि दिल्ली की स्थिति अभी सामान्य होने की कंडीशन में नहीं है। आने वाले समय तमाम अपडेट्स हम आगे भी लेते रहेंगे। तो दिल्ली में उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले वक्त में लोगों को जल्द से जल्द थोड़ी राहत मिले। खैर।